सो गुड इवनिंग गाइस, ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि लॉकडाउन बहुत दिन हो गया तो हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो मैं और मेरे दोस्त ने आज प्लान किया कि क्यों ना बाहर जाएं। तो ये जस्ट हम लोग के बिल्डिंग के सामने का एक माउंटेन है। सो गाइस, रास्ता तो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन हम लोग नियर बाई जो लोग रहते थे उन लोग से पूछा रास्ता कैसे जाता है, तो वो लोग एग्जैक्ट तो नहीं बताया बट थोड़ा बता दे ताकि हम लोग आगे से रास्ता पता कर सके। बट फिर भी बहुत ही रिस्क लेके आगे गए, जैसे कि आप देख सकते हैं पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं, अगर गलती से भी एक पैर इधर उधर हुआ तो फिसलने का डर है। बट हम लोग फिर भी केयरफुली ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड भी आगे आगे चल रहा है और वो भी बहुत संभल के चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और धीरे धीरे हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े ऐसे पड़े हुए हैं, और अभी हम आगे जा रहे हैं। एक्चुअली शाम का टाइम हो गया है तो इसलिए हम एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, लोग को जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी आना भी पड़ेगा। बहुत ही डेंजर रास्ता है, बहुत संभल के जाना पड़ रहा है हम लोग को। तो फ्रेंड आप लोग से भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी अगर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ऐसी कुछ नेचुरल ब्यूटी है, जैसे कि माउंटेन हो गया, झील हो गया, तो आप लोग भी वहाँ पे जाइए, बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली जाने में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही जंगली पेड़ पौधे हैं और कई कई पेड़ में तो कांटे भी हैं, मुझे एक बार चुभ भी गया। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअली फैमिली लोग भी आते हैं अपने जैसे छोटे मोटे पिकनिक के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ, उधर एक फैमिली बैठी हुई थी, वो लोग पिकनिक मना रहे थे। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम आए तो हम लोग को अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और आप सामने देख लीजिए पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से बहुत ही जो ब्यूटी है बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड आज हम लोग बहुत दिन बाद घर के बाहर आए हैं और एक्चुअली एक सामने पहाड़ था, तो हम लोग ने डिसाइड किया मेरे दो फ्रेंड ने कि क्यों ना इस पहाड़ पे आया जाए और यहाँ से जैसे कि यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करें। जैसे कि आप देख सकते हैं तो बहुत ही ऊँचाई पे, और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, आप सोच लीजिए वहाँ पे हम लोग कितनी ऊँचाई पे हैं, है ना। आपको मैं एक व्यू देता हूँ, देख लीजिए। ये आप देख लीजिए 360 डिग्री का व्यू आपको मैं दिखा देता और हूँ। अभी हम हैं अपने रूम के सामने, एक बहुत बड़ी पहाड़ है उसके ऊपर है। और फिर हम लोग जैसे ही थोड़ा चढ़े तो हम लोग मेरे फ्रेंड और मैंने डिसाइड किया हम लोग को और भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया हम लोग और ऊपर जाएंगे। बट एक्चुअली रास्ता ऊपर में ऊपर जाने का तो नहीं था, फिर भी हम लोग कोशिश करके रास्ता हम लोग को मिल गया। बहुत वो नैरो रास्ता था, लाइक बहुत ही डेंजर रास्ता था, फिर भी हम लोग ऊपर गए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं झुक झुक के जा रहा हूँ और बहुत संभल के जाना पड़ रहा है क्योंकि जंगली जानवर भी हो सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो रास्ता है बहुत ही डेंजर है, आप देख सकते हैं एकदम। मेरा फ्रेंड भी देख रहे हैं आप थक गया है, वो भी धीरे धीरे आगे चल रहा है और वो शायद मुझे बता रहा है कि रास्ता मिल गया है, तो मैं भी आगे चल रहा हूँ। शायद हम लोग को थोड़ा आराम करना चाहिए और आराम करके फिर से आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड फाइनली हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही संभल के जाना पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी डेंजर पेड़ भी हैं, जैसे कि इसमें कांटे हैं, तो इसलिए बहुत ही संभल और देख के जाना पड़ रहा है। देख रहे हैं कैसा झुक झुक के हम लोग को जाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ। एक्चुअली अगर हम लोग सुबह आते तो बहुत ही अच्छे से और जल्दी ऊपर जा सकते थे, बट अभी शाम हो गई है तो थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ रहा है।
और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कुछ टाइम के लिए बैठ सकता है और अपना जो भी। एलिफेंट जो हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे, जो कि पहाड़ के सबसे टॉप प्लेस है, और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग को वहाँ का देख लीजिए आप, सिटी सिटी से हम लोग कितने ऊपर हैं। लगभग हम लोग को 1 घंटे लगा यहाँ पे आने के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे नीचे। वो मेरा फ्रेंड बैठा है उधर, और नीचे जाने में भी लगभग आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं। और अभी शाम के 7 बज गए हैं। किधर से आए थे? आराम से चलना पड़ेगा। सो फ्रेंड, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग गिर भी सकते हैं। देख सकते कितना डेंजर रास्ता है यहाँ का। अभी हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं और यहाँ से भी हम लोग अपने घर को जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग नीचे उतरे, एक आम का पेड़ दिखा, 2-3 भैया लोग आम तोड़े थे, तो हम लोग ने भी सोचा क्यों ना हम लोग भी आम तोड़े, बट एक भी आम गिरा नहीं, तो इसलिए रात भी हो गया था जैसे कि आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।